ये 10 HP की मोटर है 1440 RPM के अंदर, और इसके अंदर 36 स्लॉट है और इसके 12 सेट हैं। 1 से 8 पिच के अंदर ये डली हुई है। इसके हम आपको कनेक्शन बताएंगे। हमने कनेक्शन बताने से पहले हमने आपको ये जो रेड कलर के अंदर हमने जो वायर जोड़ रखी है, ये हमारे वो वायर हैं जो बाहर कनेक्शन प्लेट के ऊपर लगेंगे। 6 वायर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसके अंदर हमने इस सेट के अंदर हमारे दो सिरे, एक ये सिरा अंदर वाला, एक ये बाहर वाला सिरा है। जो अंदर वाले सिरे को हम हर सेट के अंदर ए मानेंगे और जो बाहर वाला सिरा है इसको हम बी मानेंगे। हमारा ए नंबर सिरा है इसको हमने रेड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है जो बाहर निकलेगा। इसके बाद में जो ये दूसरा सिरा है ये वाला, ये यहाँ से 1 नंबर सेट, 2 नंबर सेट, 3 नंबर सेट और 4 नंबर सेट। इस सिरे का जो बी नंबर है पॉइंट है, हमने बताया था आपको जो अंदर वाला है वो ए नंबर और जो बाहर वाला है वो बी नंबर है। इस बी सिरे को और इस बी सिरे को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। कर दिया कनेक्ट। इसके बाद इस सेट का जो हमारा ए नंबर सिरा है ये वाला, इसको हम यहाँ से चौथे सेट के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर का जो हमारा ए, हमने जो बाहर वाला पॉइंट है उसको बी माना है और अंदर वाले को ए माना है, इस इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक साथ। अब इसी सेट का जिसका कनेक्ट किया है हमने, इस सेट का जो आगे वाला सिरा है बी नंबर पॉइंट है, उसको हम यहाँ से 4 नंबर सेट के अंदर, इस सेट को हम 4 नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के साथ बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा दूसरा रेड वाला पॉइंट बच चुका है, जिससे ये हमारा 1 नंबर था और ये हमारा 4 नंबर था। अब हम आपको अच्छे से स्लीव डाल के हम आपको अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार जोड़ रहे हैं हम। आप कंटिन्यू वॉच करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार कनेक्शन हो रहे हैं। कनेक्शन करने से पहले हमने सभी के अंदर स्लीव डाल दिए वायर के अंदर, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कनेक्शन को। और हमने यहाँ पे 6 वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जो वायर हमारे बाहर निकलेंगे। इन सिरों को हम पहले को 1 नंबर, दूसरे को 2 नंबर, तीसरे को 3, चौथे को 4 और पाँचवें को 5 नंबर सिरा और छठे को छठा सिरा मानेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। जो हमारा पहला सिरा है इसका, इस सिरे को हम ए मानेंगे और इस सिरे को हम बी मानेंगे। तो यहाँ से जो हमारा बी सिरा है, यहाँ से 1 नंबर सेट, 2 नंबर सेट, 3 नंबर सेट और ये जो हमारा 4 नंबर सेट, 1, 2, 3 और 4, चौथे सिरे का बी पॉइंट लेंगे हम, न कि ए पॉइंट। इसका हम बी पॉइंट लेंगे, इसका ए पॉइंट ये है, इसका बी पॉइंट लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं, आपको दिखाते हैं। जो हमारा पहला सिरा था ए सिरा, ये बी सिरा, 1, 2, 3 और 4 के साथ हम बी सिरे के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम डबल स्लिप कर देते हैं और इनको, समझ गए ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का बी सिरा दोनों को जोड़ देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्शन बताए जाएंगे। कनेक्शन को फुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर हमने स्लीव लगा दिए, इसको इस प्रकार बंद करेंगे। बी सिरे को बी सिरे के साथ बंद कर दिया। अब इस सेट का जो ए नंबर सिरा है अपना, यहां से
एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। चार नंबर का ए वन सिरा ये है और ये है, इन दोनों को हम बंद कर देंगे। ये सिरे कंटिन्यू सीरीज के अंदर बंद होंगे, जिस प्रकार यहाँ से हमने बी वन को बंद किया, ए वन को बंद किया, ए सिरा बंद हो गया। अब इसका जो बी सिरा है, दूसरा जो ये हमारा बाहर वाला सिरा है, ये हमारा अंदर वाला सिरा है। अंदर वाले सिरे को हमने बी माना है और बाहर वाले सिरे को हमने इस सिरे को बी माना है और अंदर वाले सिरे को ए माना है। अब बी वाले सिरा यहाँ से एक दो तीन चार चौथे सेट के बी के साथ बंद, ये बी अपना सिरा इसके साथ बंद, ये हमने स्लीव डाली और इसको भी हमने बंद कर दिया। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हमारा कंटेंट बढ़िया लगे, तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार के आपको वाइंडिंग की वीडियो, कनेक्शन की वीडियो, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, हर प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अब ये हमारा चौथा सिरा बच चुका है, ये हमारा पहला सिरा था, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चौथा। ये सिरा ए और ये सिरा भी है, ये दोनों बच चुके हैं और ये दोनों सिरे बाहर निकलेंगे, ये एक नंबर है, ये चार नंबर है। अब इसके बाद हम दो नंबर सिरे का कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिस प्रकार हमने एक नंबर का स्टार्ट किया था उसी प्रकार हम दो का स्टार्ट करेंगे। इसी का भी हम जो हमारा बी नंबर सिरा है वो लेंगे, और यहां से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, इसका हम बी सिरा लेंगे। ये देखिए यहां से ये बी सिरा है, बाहर वाला सिरा ये लेंगे, अंदर वाला सिरा हमने ए छोड़ दिया है बाहर निकलने के लिए। ये हमने बी और बी बंद कर दिया, अभी इसका
इसी सेट का जो अंदर वाला ए सिरा है इसको हम यहाँ से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर ए के साथ बंद कर देंगे। ये इसका बी सिरा है ये वाला, और ये इसका ए सिरा है, एक दो तीन और चार बंद कर देंगे इसको। एक दो तीन और चार के ए और ए बंद हो गया। अब इसके बाद इसको जो अंदर वाला सिरा है, सॉरी बाहर वाला सिरा है बी, उसको हम यहाँ से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर इस बी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे इसको। अब इस सेट का ए सिरा बच चुका है, यहाँ से एक दो तीन और चार, ये दो नंबर से हमने स्टार्ट किया था और ये पांच नंबर पे बंद हो चुका है। इसी प्रकार हम इसका एक नंबर, दो नंबर और अब तीन नंबर सिरा लेंगे जो बाहर निकलने हैं। अब इसका भी हम जो बी नंबर है, जो अंदर वाला सिरा है, उसको हम चौथे सेट के बी से बंद कर देंगे। एक दो तीन और चार चौथा सेट है, इसके साथ हम बंद कर देंगे बी के साथ। बंद कर चुके हैं। इसके बाद बी बी बंद हो चुका है। अब ए सिरा एक दो तीन और चार, ए सिरा ये है, इन दोनों को अंदर अंदर वाले सिरों को बंद कर देते हैं। अब इस सेट का बी सिरा बार वाला, यहाँ से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये बी सिरा आपस में बंद हो जाएंगे।
अब ये बी भी बंद हो, अब बच गया हमारा ए और ये तीसरा ए, दोनों बच गए, ये 3 नंबर और ये 6 नंबर। इसी प्रकार हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये वायर निकल चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको दोबारा रिपीट करवाते हैं कनेक्शन को, थोड़े से नज़दीक ला के फोन को दोबारा रिपीट कराते हैं, अच्छे से बात कीजिएगा। आपको दोबारा रिपीट करके बता देते हैं कनेक्शन। ये जो 6 वायर हैं इनको हमने 1 नंबर सिरा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 सिरा मान लिया है। अब हम पहले सिरे से स्टार्टअप करेंगे। यहाँ से ये हमारा अंदर वाला सिरा, ये हमारा बाहर वाला सिरा बी है। इसको हम यहाँ से 1, 2, 3 और 4 बी के साथ बी में बंद, और इसका फिर दूसरा ये जो ए वन सिरा है इसको यहाँ से 1, 2, 3 और 4 चौथे सेट के ए वन के साथ, और इसका जो बी सिरा है उसको हमने 1, 2, 3, 4 चौथे सेट के साथ बंद कर दिया है। अब ये हमारा चौथा 1, 1, 2, 3 और 4 चौथा टर्मिनल बच चुका है जो बाहर निकलेगा। इसी प्रकार दूसरे का ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, बी सिरे को हमने यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर बी बी के साथ बंद कर दिया है, और यहाँ पर इसका ए सिरा है इसको 1, 2, 3 और 4 ए के साथ बंद कर दिया है, और इस सिरे को हमने 1, 2, 3 और 4 बी के बी साथ बंद कर दिया, और ये हमारा पांचवा सिरा बच चुका है। दूसरा सिरे ये था, एक एक दो, एक दो तीन चार और पाँच, ये हमारा दूसरा सिरा और ये पांचवा सिरा, यहाँ से भी सेट है ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब तीसरा सिरा यहाँ से बी 1, 2, 3, 4 बी के साथ कनेक्ट, यहाँ से ए 1, 2, 3 और 4 ए के साथ कनेक्ट, यहाँ से बी 1, 2, 3, 4 बी के साथ कनेक्ट, और ये हमारा ए सिरा बच चुका है। ये यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये तीसरा सिरा और ये हमारा छठा सिरा हो चुका है। इस प्रकार जैसे हम मोटर के अंदर से स्टार या डेल्टा कनेक्शन निकाल देते हैं, तो ये किस प्रकार किए जाते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सिरे, तो इन सिरे को स्टार में करने के लिए हमें 1 नंबर और ये 3 नंबर और ये 5 नंबर इन तीनों को आपस में बंद कर देंगे, और 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर हम मोटर को सप्लाई देंगे। अगर हमें इन्हें डेल्टा में चलाने हो तो डेल्टा में चलाने के लिए हमें 1 नंबर सिरा, 2 नंबर सिरा आपस में बंद हो जाएंगे, 3 नंबर, 4 नंबर आपस में बंद हो जाएंगे, 5 नंबर और 6 नंबर आपस में बंद हो जाएंगे, दोनों तार, दो दो तार आपस में जुड़ जाएंगे, और ये आर वाई बी के साथ कनेक्ट होंगे, मोटर डेल्टा के अंदर चलेगी। और अगर हमें 6 के 6 तार अगर बाहर निकाल देते हैं तो हम बाहर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ये स्टार और डेल्टा के अंदर मोटर चलेगी।